children, so we have completed in ELV chapter number 10, Creepy Crawlies. Okay, first exercise we complete over here. You have to complete the question answers from material. Okay, apni notebook mein likhna hai. Now we are going to start new chapter, that is lesson number 11. Birds, read this spelling. Yeah!
क्या होता है? चोंच। और चोंच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीक्स। वेरी गुड। दे हैव बीक्स एंड क्लॉज, है ना? तो उनके पास क्या होता है? बीक्स होती है एंड क्लॉज। उनके पैर देखे आपने? ऐसे होते क्लॉज। दे यूज देयर क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर फूड। वो अपने क्लॉज को क्या यूज करेंगे? अपना फूड होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। दे यूज देयर बीक्स टू ईट फूड। वो अपनी बीक से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। एंड टू मेक नेस्ट, अपना घर बनाते हैं। ओके, दे ऑल्सो यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर उनको कोई परेशान करेगा तो क्या करेंगे? अपनी बीक से ऐसे बाइट कर देंगे, है ना? तो दे आर यूजिंग देयर बीक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देमसेल्फ, राइट? सम बर्ड्स ईट फ्लैश। फ्लैश पता है? यस। दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, अपना मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। व्हाइल अदर्स ईट ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज के